आपके साथ हैं निदा खान, हेल्थ इज वेल। मैं जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले जितने ही प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए हैं आप लोगों के साथ थे, बहुत ज़बरदस्त रिव्यू आए हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम गए हैं। और जो आप जानते हैं जैसे कि आज जो हम जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लीवर पे, चूँकि पूरी दुनिया में लीवर मंथ मनाया जाता है, तो उसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर फहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कनाडा और दुनिया भर में प्राइम कनाडा टीवी देखने वाले मेरे तमाम नाज़रीन को सलाम। निदा ने बिल्कुल सही कहा कि जो मार्च का महीना है ये दरअसल लीवर हेल्थ मंथ और पूरी दुनिया में कनाडा समेत दुनिया भर में लीवर की अहमियत के हवाले से ये महीना मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि लीवर हेल्थ मंथ क्या है और हमारा जिगर कौन कौन से अहम काम अंजाम करता है, कितना ज़रूरी है, तो ये प्लीज़ बताएं। देखिए, किसी भी दिन का मनाना, उसको ऑब्जर्व करना, सेलिब्रेट करना, उसका मकसद ये होता है कि किसी भी चीज़ के हवाले से उसकी अहमियत को उजागर किया जाए, लोगों में आगही क्रिएट किया जाए, एजुकेट किया जाए कि इस चीज़ की, जिस्म के इस ऑर्गन की हिफाजत की जाए। अगर मैं लीवर की बात करूं, लीवर जिस्म का वो हिस्सा है, अगर मैं ये कहूं कि ये बॉडी का मेन पार्ट है, इंजन है, अगर मैं ये कहूं। अब मैं आपको सिनेरियो दूं एक, ताकि समझने में आसानी हो। दो शख्स हैं, उन दोनों के पास न्यू ब्रांड कार है। उनमें से एक शख्स वो है जो गाड़ी की बड़ी हिफाजत करता है, ऑयल टाइमली चेंज करता है, विंटर में विंटर व्हील को चेंज करता है, जो इग्निशन है, जो वार्निंग साइन है, जो लाइट्स है, ब्रेक ऑयल है, इग्निशन ऑयल है, सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखता है। उसको पता होता है कौन सा ड्यू डेट है, कब जाकर मुझे चेंज करना। उसी मॉडल की कार एक और शख्स के पास है, वो उसकी कोई फिक्र नहीं करता है। अच्छा, याद आया, कोई आवाज़ आने लगी गाड़ी में, चेंज करवाना, ये करवाना, ये है क्लास लोग। अच्छा, जो लोग गाड़ी की हिफाजत करते हैं ऑयल के हवाले से, टायर के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, वो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। सुबह कितनी ही माइनस टेम्परेचर क्यों ना हो, गाड़ी का ऑन स्टार्ट करते हैं और लॉन्ग रूट पे निकल जाते हैं पीस ऑफ माइंड के साथ। लेकिन वो लोग उसी मॉडल की गाड़ी को, जो लोग हिफाजत नहीं करते, उनके साथ क्या होता है, हर दूसरे महीने गाड़ी कहाँ खड़ी है, गैराज में खड़ी है, यानी कि क्लिनिक में खड़ी, गाड़ियों के क्लिनिक। सेम कंडीशन विद द लीवर। अगर लीवर को, बॉडी का ये वो इंजन है, अगर उसकी निगहदाश्त, उसकी हिफाजत ना की जाए, तो वो उसी गाड़ी के मानिंद है जो हर दूसरे महीने गैराज में या मैकेनिक के पास मौजूद है। तो हमारे लीवर को जिस तरह एक बेहतरीन गाड़ी को रखने के लिए एक क्या चाहिए होता है, प्रीमियम ऑयल, हम कहते हैं ना हाई क्वालिटी ऑयल चेंज करो। तो हमारे लीवर के लिए, हमारे बॉडी के लिए जो हाई क्वालिटी या प्रीमियम ऑयल है, फ्यूल है, वो क्या है, दैट इज़ द न्यूट्रिशन, जो हम गज़ा खाते हैं। क्या ये उस लेवल का खाते हैं जो लीवर की सेहत और दीगर बॉडी के लिए सेहतमंद है या नहीं है। हम क्या करते हैं, बॉडी को, गाड़ी को चेक करने के लिए पथरीली रास्ते पे लेकर जाते हैं, अनइवन रूट्स पे लेकर जाते हैं, टू चेक द गाड़ी का जो पावर है उसको चेक कर, इसको कहते हैं हिट द रोड। तो हम अपने बॉडी को क्या कभी फिजिकल एक्टिविटी में डालते हैं, ये चेक करने की ज़रूरत है। जिस तरह बॉडी को, जिस तरह किसी गाड़ी को इग्निशन, अगर उसमें कोई रेड लाइट जल जाए तो हम फिक्रमंद हो जाते हैं, तो क्या हम इस बात के लिए फिक्रमंद होते हैं, हमारे रूटीन में कोई ऐसी अलामत जो यूजुअली नहीं होता, अनयूजुअल है, रूटीन से हट कर हो, तो क्या हम उसको एड्रेस करते हैं, डॉक्टर के पास प्रॉपरली फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, दैट आई एम हैविंग दिस टाइप ऑफ सिम्टम जो रूटीन पे नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी जिस तरह गाड़ी में रेड इग्निशन, कोई भी लाइट जलने लगे हम फिक्रमंद होते हैं, तो ये वो हमारे बॉडी के साइन और सिम्टम्स। एक और चीज़ है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ द हैजार्डियस सिचुएशन, यानी कि आप को तमाम तर प्रिवेंशंस लेने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जिस तरह हम गाड़ी के बैटरी को चार्ज करते हैं, तो हमारे बॉडी के लिए जो चार्ज है ना, पता क्या है, दैट इज़ द साउंड स्लीप एंड रेस्ट। क्या हम अपने बॉडी को 6 से 7 घंटे 8 घंटे की नींद और बॉडी को आराम देते हैं, अगर ये सब कुछ हम करते हैं, तो वो उस गाड़ी की तरह जो
एक शख्स जो है गाड़ी की बड़ी हिफाजत करता है और वो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से चलता है। तो इसी तरह हम भी पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी जिंदगी की गाड़ी को चला सकते हैं। और गाड़ी का जो मेन इंजन है दैट इज योर लीवर। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ, कुछ फिगर्स भी है मेरे पास, मैं उसको भी शेयर करूंगा। जो सबसे अच्छी बात है मैं ये कहूँ, अगर द गुड न्यूज इज दैट के लीवर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम आगे चलकर जिक्र करेंगे वो सारे के सारे रिवर्सिबल है। और ना कि रिवर्सिबल है, अगर कोई डैमेज हो जाए तो हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। लीवर के बहुत सारी बीमारियां प्रिवेंटेबल भी है और उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं इससे पहले के लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए। अर्ली डायग्नोसिस हो जाए कि लीवर में ये प्रॉब्लम है, हमने अगर अर्ली डायग्नोसिस कर लिया तो जो लीवर को मजीद ख़राब होने से बचा सकते हैं और जो खराबी हो सकती हुई है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊँ कि लीवर हम जो खाते हैं पीते हैं इवन जो हम मेडिसिन लेते हैं ये सब का सब जो पता क्या लीवर से पास होता है। अच्छा। तो ये बहुत वाइटल ऑर्गन है जिस्म के बॉडी का एक बहुत, जिस तरह मैंने कहा ना एक गाड़ी में जिस तरह इंजन की अहमियत है हमारे बॉडी में इस लीवर की अहमियत है। आप ये समझ लें ये मेन फैक्ट्री है जहाँ तोड़ फोड़ मेटाबॉलिज्म सारी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए लीवर का इंटैक्ट होना, लीवर का हेल्दी होना तमाम सेहत के लिए, एक मुकम्मल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी। मैं आपके साथ एक कैनेडियन स्टैटिक शेयर करूँगी, एक आदाद शुमार कि हर 2020 का ये हर 4 में से एक कैनेडियन उसको किसी ना किसी लेवल पे लीवर प्रॉब्लम है। अच्छा। और एक चीज है, तकरीबन 7 मिलियन ऑफ द कैनेडियंस दे आर सफरिंग फ्रॉम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ये क्या हम आगे चलकर बात करेंगे, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इसके अलावा जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है इसकी बड़ी वजह पता क्या है, जिस पर हमने पिछला प्रोग्राम किया है, ओबेसिटी, मोटापा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिगर बताऊं आपको, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एक सर्वे हुआ कि लोगों से, जनरल पब्लिक से ये पूछा गया लीवर के सेहत के हवाले से, कुछ क्वेश्चनर से सवालात किया गया। 90% ऑफ द पीपल, उन लोगों को या तो बहुत जिसे कहना चाहिए लिटिल नॉलेज या बिल्कुल मालूमात नहीं थी लीवर की सेहत के हवाले से। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि लीवर जो हमारे बॉडी का इंजन है, मेन ऑर्गेन है जहाँ सारी मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो मेन फैक्ट्री है, उसके मुतालिक हमारी मालूमात जो है वो 90% ऑफ द पीपल दे डोंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग द लीवर फेल्योर, लीवर डिजीज, लीवर के साइन और सिम्टम्स क्या हैं, लीवर के रिस्क फैक्टर्स क्या है, लीवर से हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, लीवर की डिजीज में कौन सी डिजीज चीज़ें हैं जो खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। 90% ऑफ द लोग पीपल दे डोंट हैव एनी नॉलेज, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। नेता उसकी वजह ये कि अगर हम लीवर की सेहत की हिफाजत नहीं करेंगे तो इसके असरात जो है ना जिस्म के दीगर हिस्सों में भी मुरतब होना शुरू होगा। आपने ये पूछा था कि इसका फंक्शन क्या है, लीवर क्या काम अंजाम। अच्छा, किसी भी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा किस वक्त होता है, जब हमें मालूम हो कि इसका काम क्या है। हम कहते हैं ना कि ये बहुत काम का आदमी है, हम इसे दोस्ती नहीं करते जी, तो हमें लीवर से दोस्ती करने की ज़रूरत है क्योंकि लीवर का जो फंक्शन है जब हमें मालूम होगा तो पता चलेगा यार ये तो बहुत काम की चीज़, अब तक हमने इसको लीवर हेल्थ को नेगलेक्ट किया, इस पर वो इम्पोर्टेंस नहीं दी। सिर्फ उसकी वजह ये कि हमें आगे ही नहीं, हमें मालूम नहीं है कि हमें मोबाइल फ़ोन के मुतालिक तो पता है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, लेकिन अपनी सेहत के मुतालिक नहीं पता। मैं आपको बताऊँ लीवर के बहुत सारे फंक्शन है, 500 के करीब फंक्शन है और ये 24 घंटे काम कर रहा है एवरी डे। अच्छा। दिन साल के 365 दिन काम कर रहा है, देयर इज नो रेस्ट। इस फैक्ट्री को कोई छुट्टी नहीं है और कोई आराम नहीं है। अंदाजा लगा दें लीवर पे कितना लोड है। और लीवर के बहुत सारे फंक्शन है, मैं चंद फंक्शंस की बात करूंगा ताकि बात समझने में आसानी हो। पहला फंक्शन जो लीवर का है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये जो हमारे बॉडी में, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे मेदे से, हमारी आंतों से ब्लड यहाँ से गुजरता है, हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, इवन मेडिसिन जो है ये यहाँ से गुजरता है। और ये चीज़ का काम क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्टर किस, फिल्ट्रेशन से क्या जहन पे आता है कि चीज़ों को, फाजिल चीज़ों को, जो टॉक्सिन है, जो बाई प्रोडक्ट है, जो ऐसी चीज़ें जो जिस्म को ज़रूरत नहीं है उसको क्या करता है, वो फिल्टर करता है और स्प्रिट आउट करता है। तो सबसे मेजर फंक्शन है हमारे लीवर का जो हम अंजाम दे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ जी डॉक्टर साहब, ये जो लीवर है जी, मैंने बात की फिल्ट्रेशन का, 25% ऑफ द ब्लड जो है हमारे लीवर से गुजरता है। अच्छा। आपको पता है कि एक मिनट में जी 1 लीटर ब्लड को ये फिल्टर कर रहा है।
और 1 घंटे में तकरीबन ये 88 लीटर्स यानी के 22 से 25 गैलन ऑफ ब्लड को ये फिल्टर करता है, और 24 घंटे में 1,000 लीटर ब्लड को ये क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द लोड के लीवर पे क्या लोड है और किस लेवल पे ये काम कर रहा है। अच्छा, मैंने फिल्ट्रेशन की बात की। हम जो भी काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को, हमारी चीजों को एनर्जी चाहिए होता है। हम कहते हैं ना कि यार आज एनर्जी लेवल बहुत कम है, यार मजा नहीं आ रहा। तो इस हमारे एनर्जी को जो हम काम कर रहे होते हैं, ये बॉडी के एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इन्फेक्शन जो भी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह हो उससे मुकाबला करने के लिए, फाइटिंग विद द इन्फेक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म। हम जो भी खाते पीते हैं, जो ग्लूकोज है हमारा, ये जब एक्सेस मकदार में हो तो ये लीवर में ग्लाइकोजन के सूरत में स्टोर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो तो ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ये फिर टूट फूट होकर ग्लूकोज बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा एक और चीज है जो हम चिकनाई और फैट वाली चीजें खाते पीते हैं, अगर एक चीज जिसको हम बाइल कहते हैं, ये बाइल को प्रोड्यूस करता है। अगर ये बाइल ना हो जिसम में, तो जो भी हम चिकनाई वाली चीज, चर्बी, स्टार्च, फैट वाली चीज हम खाते हैं, इसकी डाइजेशन ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन इसका काम है, क्लिनजिंग ऑफ द ब्लड इसका काम है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दैट इज द स्टोरेज ऑफ सम मिनरल्स एंड विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसकी स्टोरेज करता है। आयरन है, कॉपर है और दीगर मिनरल्स है, इसकी क्या करता है, ये स्टोरेज कर रहा है। उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है, अगर उंगली कट जाए, जो खून बह रहा होता है खुद ब खुद बंद होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग ये इसकी रेगुलेट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो ये है कि जो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको ये रेगुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा जो एक चीज़ होती है अमोनिया, जो हमने किडनी डिजीज में भी पढ़ा था, ये अमोनिया जो है ये यूरिया में कन्वर्ट होता है और ये फिर किडनी के जरिए एक्सक्रीट होता है। तो ये इसका काम है, ये लीवर का ये जो पॉइजनस है अमोनिया, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में, ताकि ये फासिल मादा जिससे मैं एकुमुलेट ना हो और ये बाहर निकल जाए। अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल करते हुए बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वो फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका फिल्ट्रेशन का। अगर लीवर इन चीज़ों को फिल्टर ना करे तो इसके अलामत जो है फिर जिस्म में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर हमारा जिगर ख़राब होने लगे तो उसकी क्या मतलब अलामतें हैं और इससे किस तरह बच सकते हैं हम लोग? देखें जी, अगर मैं अलार्मिंग साइन की बात करूं जी, यानी कि जिगर जो है हमारा ख़राब होने लगे तो हमें महसूस कैसे हो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी, वो ये है कि ऐसा नहीं है लीवर, अच्छा लीवर जितना इंपॉर्टेंट फंक्शन अंजाम दे रहा है जी, तो उस पर जिम्मेदारी भी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है 5-10% लीवर डैमेज हुआ या खराब हो गया तो आप पर अलामत जाहिर होना शुरू हो जाएगा। ऐसा करिए, जब लीवर 40-50% डैमेज हो जाता है तब कहीं जाकर पता चलता है कि दैट ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ लीवर डिजीज, या फिर जो एनुअल चेकअप हमारे कैनेडियन सिनेरियो में एनुअल चेकअप के लिए डॉक्टर बुलाता है, आपका रूटीन चेकअप होता है, तो फिर हादसाती तौर पे पता चलता है यार आपके लीवर का ये एंजाइम बढ़ा हुआ है, ये चीज़ें बढ़ी हुई, ये चीज़ें डिरेंज है, तो पता चलता है अल्ट्रासाउंड में पता चलता है आपका लीवर जो है वो फैटी लीवर है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर पता चलती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लीवर की अलामत की बात करें, हमें पता कैसे चलेगा, वो ये है कि आपने सुना होगा ना एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पीलिया, जॉन्डिस, वो आंखों में स्क्लेरा है, स्किन है, नेल बेड्स हैं, इसका कलर जो है ना वो येलो पीला हो जाता है, इसको जब इसको हम पीलिया भी कहते हैं। इसके अलावा एब्डोमेन जो है हमारा, मैदा जो है, पेट जो है, उसमें सूजन होनी शुरू होती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, खास तौर पे राइट हैंड साइड के रिब्स के नीचे के जो रीजन है यहाँ पर दर्द होना शुरू होता है, दैट इज द एब्डोमिनल पेन, या फिर आप इसको ये कहें कि डिस्टेंशन, पेट में सूजन होनी शुरू हो जाती है, पेट में बाज़ औक़ात पानी जमना शुरू होता है, यूरिन का कलर बहुत डार्क येलो होने लगता है, बाज़ औक़ात स्टूल का कलर भी जो है ना पेल येलो होने लगता है। इसके अलावा वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, मछली की कहते हैं, उल्टी की कहते हैं, और बाज़ औक़ात बहुत सीवियर केसेस में उल्टी में ब्लड भी आना शुरू होता है। अच्छा, इसके अलावा
जो सूजन है, पेट के सूजन के अलावा पैरों में भी सूजन शुरू हो जाती है, अच्छा स्किन में इचिंग बहुत होती है, लीवर डिजीज में स्किन में इचिंग होती है, अच्छा और एक चीज होती है जिसको कहते हैं ना कि चोट लग जाए, ब्रूसेस जी यानी जी जी नील पड़ जाना, जी अच्छा चोट लगी और नॉर्मली नहीं होता ऐसे आम लोगों में, सही लेकिन जो जॉइंटिस की या जो लिवर डिजीज की तरफ जा रहे हैं जो लोग, उनमें आमतौर पे जिससे में कहीं चोट लग जाए तो नीलपन होता सही है, ब्लड का हुआ जी जमा। जी अच्छा ये तो चीजें, इसके अलावा चार चीजें और हैं जो बहुत याद रखनी चाहिए। जी वो चीज ये है कि जब आपके ये सारी अलामत शुरू हो जाए, जी फ्लूड रिटेंशन यानी कि पेट में पानी, सही ठीक है, जो एक चीज होती है इसको मेसाइटिस कहते हैं, पेट में बहुत ज्यादा पानी भरना शुरू हो जाता है, जी नंबर 1। जब इस तरह की चीज आपको महसूस होने लगे, पेट जो है आपका, एब्डोमेन जो है ना, टफ, जरा टाइट सा हो रहा है, टेंस हो रहा है जी और एबनॉर्मल सूजन है, बहुत सारे लोग खुद महसूस नहीं करते, लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से तुम्हारे पेट में सूजन है, तो सही ऐसी कोई, इसको हम फ्लूड रिटेंशन कहते हैं या अच्छा डिस्टेंडेड एब्डोमेन, पेट में सूजन, एक चीज तो ये है। जी दूसरी चीज है कि जॉइंटिस जिसका जिक्र हमने किया। तीसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्लीडिंग। मैंने शुरू में एक बात की थी कि 25-25% ऑफ द ब्लड जो है वो कहाँ से गुजरता है, लीवर से जा रहा लीवर हूँ, से अगर सही लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है तो जी ब्लीडिंग टेंडेंसी शुरू हो जाती है, खासतौर पे वोमिटिंग में। अच्छा एक और चीज़ है, इसको हम कहते हैं हेपेटिक इंसेफलोपैथी। ये सही क्या चीज़ है, जी लीवर का काम क्या है, फिल्ट्रेशन। सही अगर लीवर काम नहीं कर रहा है सही, तो इसका मतलब क्या है कि चीजें फिल्टर नहीं हो रही हैं। जब सही चीजें चीजें सही फिल्टर नहीं कर हो रही है, जो वो फॉसिल मादा, वो वेस्ट प्रोडक्ट, वो टॉक्सिन जिसे बाहर निकलना है, वो क्या हो रहा है, ब्रेन पे जा रहा है वेसल से, सही तो उसमें वो कंफ्यूजन है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो डिस्टर्ब होता है, जिसको कहते हैं हेपेटिक इंसेफलोपैथी। एक कंडीशन है जो सही बहुत सीरियस, बहुत एडवांस केसेस में जाकर जी ये सारी चीजें डेवलप होती है। प्रिवेंशन की बात अगर हम करें, सारा झगड़ा नहीं है कि हमें पता हो, हमें फंक्शन पता चल गया, हमें अलामात का पता चल गया, सही हम बचे कैसे हैं। बाद वक्त होता है ये है कि लाइफ स्टाइल आपका, आपका डाइटरी पैटर्न, जी आपका बिहेवियर, रिस्की बिहेवियर से आप कैसे बचते हैं। अगर आपको प्रिवेंशन का मालूम हो, पता हो जी कि व्हाट आर द प्रिवेंशन, तो आप क्या करोगे, तो आप उससे बचने की कोशिश करोगे। दो चीजें ऐसी हैं किसी भी डिजीज में, एक है रिस्क फैक्टर, जी अगर आपको अपना रिस्क फैक्टर पता हो और आपको पता हो कि आप कैसे बच सकते हैं, तो फिर आप बचने की कोशिश करोगे। मैं सही बताऊं कि लीवर डिजीज में यकीनन बहुत सारी चीजें हैं जो जी प्रिवेंशन में शामिल होती हैं, मैं चंद एक बताने की कोशिश करूंगा। जी एक तो ये कि आप अपने वेट को, जी ओबिसिटी को ना होने दें। हमने अच्छा ओबिसिटी के प्रोग्राम में भी प्रोग्राम में इसका कहा डिस्कस था किया था, जी बहुत जरूरी है कि आपकी डाइट जो है वो बहुत ज्यादा बैलेंस डाइट हो। अपने अच्छा खानों में ग्रीन्स का इस्तेमाल करें, सॉल्ट और शुगर का इस्तेमाल कम से कम हो, फैट्स का इस्तेमाल कम से कम हो। इसके अलावा वेट हमारा मेंटेन कब होगा, जब अच्छा हम डाइट कंट्रोल करेंगे, और एक और जी चीज करेंगे, दैट इज द फिजिकल एक्टिविटी, यानी जी हम अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज को शामिल रखेंगे। जब सही हम अपने वेट को कंट्रोल करेंगे, डाइट बैलेंस लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, तो यकीनन चीजें जो है ना, लीवर जो है खराबी की तरफ जाने से बच जी जाएगा। नो टू अल्कोहल, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ अल्कोहल की कोई गुंजाइश नहीं है जिंदगी में, नो सही टू अल्कोहल, नो टू अल्कोहल। उसके अलावा ओवर द काउंटर ड्रग, मैं बताऊँ बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं, पेन किलर्स हो या बहुत जी सारी जी दवाइयाँ हैं जो हम जाते हैं जाकर ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर जाकर ले जाकर लेते ले हैं लेते हैं, सही जिसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, अच्छा चाहे वो पेन किलर हो, चाहे वो दीगर दवाइयाँ हो, मेदे की कोई दवाई, भी पेन कोई भी सही दवाई हो, बगैर डॉक्टर के कंसल्ट के दवाई नहीं लेनी चाहिए। सही आ, आ, एक और चीज़ है, जी वो है शेयरिंग ऑफ नीडल अच्छा कंटेमिनेशन। जो जी लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, जी जी जो लोग शेयरिंग ऑफ निडल करते हैं, जो लोग इंजेक्टेबल एडिक्ट होते जी हैं, जी वो क्या करते हैं, ग्रुप्स की सूरत में एक दूसरे के साथ निडल की शेयरिंग करते हैं, तो अच्छा निडल शेयरिंग की वजह से बहुत सारी बीमारियां ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ जो जी बहुत डॉक्टर साहब इंटरेस्टिंग है, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, जी बी लॉयल टू योर फैमिली। आप किसी भी रिस्की बिहेवियर पेशा, फैमिली शो, मैं सिर्फ यही कहूंगा, बी लॉयल टू योर फैमिली। अगर आप अपने फैमिली, अपने मैसेज के साथ लॉयल रहते हैं, सही तो यकीनन आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा लेते हैं। बचा लेते हैं सही कह रहे हैं शेयरिंग ऑफ पर्सनल थिंग्स, रेजर, अच्छा टूथब्रश, हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में अक्सर ये हो जी जाता है,
शेयरिंग ऑफ रेजर से, जी जी, इवन नेल कटर से, नेल क्लिपर से, इन चीजों के, क्योंकि बाज औकात किसी चीज में ब्लड का जो रह जाता है तो वो उससे ट्रांसफर होने के चांसेस आते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशन है। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी लाइक लीवर में हेपेटाइटिस है, आप हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है बचाओ का, अगर आप वो लगवा लेते हो तो बहुत बेहतरीन अपने आप को सेव कर लेते हो। उसके अलावा आप इसके स्किन को, मेडिकल चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका डॉक्टर आपको बुलाता है मेडिकल चेकअप के लिए कि आपका ये स्केड्यूल है, आपको फला दिन आना है, और लाजमी तौर पे आप अपने ब्लड को या जो मेडिकल चेकअप है या एनुअल चेकअप को करवाएं। एक और चीज लास्ट प्रिकॉशन में मैं बताऊंगा, प्रिवेंशन में सॉरी, अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है, आपके फादर को, मदर को किसी को लीवर कैंसर रहा हो या हेपेटाइटिस हुआ हो या कोई लिवर डिजीज हुआ है, तो आप एक तो रिस्क फैक्टर में भी हो और आपको बहुत सारे मामलात में प्रिवेंशन की जरूरत है। अगर आप ये एहतियात करते हैं, आज जिन चीज़ों का जिक्र किया, तो यकीनन आप बहुत सारे लीवर के ऐसी डिजीज हैं जिससे आप अपने आप को बचा लेते बचा रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये बताएं कि रिस्क फैक्टर क्या है और अर्ली डायग्नोसिस की क्या इम्पोर्टेंस है? मैं अपने हर प्रोग्राम में ही दो तीन चीज़ों का जिक्र बहुत करता, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई डायग्नोसिस बना कर दूँ या लीवर की किसी बीमारी का इलाज बताऊँ। मैं तो वो चीज़ें बताऊँगा कि बच कैसे सकते हो, इसके अलामत क्या हैं जिससे अगर जाहिर हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करो, और अर्ली डायग्नोसिस की इम्पोर्टेंस क्या। देखो, रिस्क फैक्टर का मतलब ये होता है कि आप आम आदमी के मुकाबले में अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं तो आप चांसेस ज्यादा है कि आपको कोई बीमारी हो। अच्छा, रिस्क फैक्टर से मुराद ही होता है, इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है इसमें ओबेसिटी, ओबेसिटी में हमने हमेशा जिक्र किया, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, और केरला में बहुत रिवाज है टैटूइंग का और पियर्सिंग का, आपने देखा टैटूज होगा, बहुत ज्यादा एहतियात से, और यकीनन यहाँ पर तमाम प्रिकॉशनरी और जितने भी एहतियाती तदाबीर के साथ पियर्सिंग और टैटूइंग हो रही होती है, लेकिन जब भी आप करवाएं तो बी श्योर, आप इस बात को यकीनी बना लें कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टरलाइज और बहुत ही ज़्यादा तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ आप टैटूइंग कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ नेडल की बात भी हमने की, टूथब्रश की भी बात की, रेजर्स की बात की, नेल क्लिपर्स की बात की, इवन कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कंघियों और ब्रश का इस्तेमाल भी, हेयर ब्रश का इस्तेमाल भी आपस में शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, खास तौर पे हेल्थ केयर वर्कर्स या कोई ऐसे लोग जो घरों पे अपने किसी पेशेंट के साथ बॉडी फ्लूड या ब्लड के साथ उनका इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो ये लोग भी रिस्क फैक्टर में होते हैं कि कहीं इनको कोई लीवर डिजीज ना हो जाए। अच्छा, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं, कुछ फैमिली हिस्ट्री है जो लोगों के साथ चल रहा होता है, कुछ जेनेटिक कॉज है, कुछ फैमिली कॉज है, तो जिस जो रिस्क फैक्टर में, और आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपका रिस्क, आपका ये रिस्क फैक्टर है, लेकिन जो इन जनरल जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताया, अगेन अल्कोहल का इस्तेमाल भी, अल्कोहल का इस्तेमाल भी। मैं एक बात बताऊं आपको, जो मेजर कॉज ऑफ लिवर डिजीज है ना, इससे पहले कि मैं डायग्नोसिस पे जाऊं, वो तीन चार है। एक इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस ए बी सी, इसमें बहुत होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, लीवर श्रिंक हो जाता है, स्कारिंग हो जाती है, ठीक है, लीवर फेल्यूर है, उसके बाद लीवर कैंसर है, एक और चीज है वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर दो तरह के हैं, एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उनके में फैट की डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है। अच्छा। और एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, यानी कि उनको जो फैटी लीवर होता है वो अल्कोहल की वजह से नहीं, दीगर वजूहत हैं। तो ऐसे लोग जो ओबीज हैं, जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर में होते हैं कि उनको आगे चलकर कोई किसी किस्म का लीवर डिजीज। अच्छा, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस नॉट ओनली इन द लीवर डिजीज, दुनिया की हर बीमारी में, कैंसर हो, अगर आपने अर्ली डायग्नोसिस कर लिया, स्टेज 1 में डायग्नोसिस हो गया, उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है, यानी उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और मैंने जिस तरह एक बात की, बहुत सारे लीवर डिजीजेज ऐसे हैं जो अगर अर्ली डायग्नोस हो जाए
तो वो प्रिवेंटेबल है। अर्ली डायग्नोज हो जाए बहुत ज़्यादा ख़राब होने से पहले, वो रिवर्स होने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डायग्नोसिस की अपनी इंपॉर्टेंस, अगर आप डायग्नोसिस पे नहीं जाएंगे तो आपका लीवर फेल्यूर की तरफ जाएगा, लीवर कैंसर की तरफ जाएंगे और दीगर बीमारी की तरफ जाएंगे। अच्छा, डायग्नोसिस हो कैसे? डायग्नोसिस यकीनन आपका डॉक्टर, आपका जो फैमिली फिजिशियन है वो डायग्नोसिस करता है, आपकी कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री के साथ, आपकी पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ, और कुछ लैब टेस्ट करवाता है खासतौर पे। अगर आपको महसूस हो और आप रिस्क फैक्टर में हो, आपको अपना रिस्क फैक्टर मालूम है, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से यू कैन डू एन आस्क कि मुझे लगता है कि ये रिस्क फैक्टर है मेरे साथ, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कोई लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है, गो फॉर टेस्ट। वो आपको फिर ब्लड टेस्ट करवाता है, वो आपको यूरिन टेस्ट कराता है, एलएफटीज है, कुछ इमेजिंग करवाता है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, फाइब्रो स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, इस तरह की वो चीज़ें कराता है और फिजिकल एग्जामिनेशन करवा रहा होता है, जिससे पता ये चलता है कि कोई अगर अर्ली डायग्नोसिस है, अगर कोई बीमारी जन्म ले रही है इनिशियल स्टेज में, तो उसी वक्त वो डायग्नोस हो जाता है। अगर अर्ली डायग्नोस हो जाए तो उसका जो क्योर रेट है, उसका जो रिकवरी रेट है, वो बहुत फास्ट और बहुत बेहतरीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक लास्ट क्वेश्चन कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो जिगर की सेहत पर किस तरह असर होता है, क्या पता है? सारा मामला ही लाइफ स्टाइल का है। अच्छा, लाइफ स्टाइल से मुराद ये है कि मैं बताऊं, 9 में से 10 जिगर की बीमारियां ऐसी हैं जी जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ से, और वो क्या है जो आपका सवाल है? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के जरिए हम कर सकते हैं बहुत सारे हमारे अपने जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, जो हमारा डाइट्री पैटर्न है, हम खुराक में क्या खाते हैं, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वेट ओबीज होने के बावजूद हम अपने बॉडी में फैट डिपोजिशन कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, रूटीन पे जो चीज़ देखी गई है और जो चीज़ आम तौर पे लाइफ स्टाइल पे फोकस होना चाहिए हम में से हर शख्स का, जो हेल्दी है, जिसके पास रिस्क फैक्टर नहीं है, उन लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए जनरल वो ये कि ईटिंग हैबिट, ऑलवेज गो फॉर अ बैलेंस एंड हेल्दी ईटिंग। ये जो जंक फूड से, वो तमाम ऐसी चीज़ें जो देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन आपकी कैलोरी वैल्यूज को बढ़ा रही होती है, एक बात तो ये हो गई। नो स्मोकिंग, नो एल्कोहल, नो शुगर, नो सॉल्ट। नो शुगर नो सॉल्ट से मेरी मुराद ये है कि बहुत कम मकदार में, जो रिकमेंडेशन है तकरीबन 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 5 एक चाय की चम्मच के बराबर आप नमक का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। अच्छा। उसके अलावा जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, उसको हम तर्क कर दें, अवॉइड कर दें। अच्छा। अपनी जिंदगी में कुछ हरकत पैदा करें, एक्टिविटी लाएं, क्योंकि हमारा जो लीवर है ये क्या है, मेन फैक्ट्री है, बॉडी का इंजन है। इंजन को हम कहते हैं ना कि अगर इंजन बैठ गया, रवां रहा, रवां कब रहेगा, जब आप उसको एक्टिविटी करोगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अननेसेसरी यूज ऑफ मेडिसिन। अच्छा, मैं यहाँ बताता चलूँ, यकीनन बहुत सारी मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक है, कुछ हिकमत में ट्रीटमेंट है। आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एलोपैथिक कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, खुदा के वास्ते आप उनके एक्सपर्ट से मिलने के बाद वो दवाई इस्तेमाल करें। हम में से अक्सर देखा गया, खास तौर पे इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी में, कि वो हकीम, हर दूसरा शख्स हकीम है, हर दूसरा शख्स होम्योपैथिक डॉक्टर है, और वो अपनी दवाइयां बता रहा होता है। ऐसी किसी किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो लीवर हेल्थ के लिए बेहतरीन नहीं है। लास्ट नॉट द लीस्ट, जितने रिस्की बिहेवियर्स हैं उससे अवॉइड करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करते हैं तो यकीनन आप लीवर को बेहतर करोगे। अगर लीवर सेहतमंद होगा तो बॉडी पूरी पूरी बॉडी आपकी है ना, बिल्कुल साउंडलेस और मैचलेस चलेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लीवर की सेहत को इम्पोर्टेंस दें और उसका ख्याल भी रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं लास्ट में बस यही कहूँगा कि जो लीवर है ना जी, 24 आवर काम कर रहा है, कोई रेस्ट नहीं है जी, उस पर लोड बहुत ज़्यादा है जी, तो हम अपनी किसी नादानी से, बेवकूफ़ी से उस पर मज़ीद लोड ना डालें, ताकि वो काम जो उसको करना चाहिए वो काम ना कर पाए। उसे
आप इन बातों पर जो रिस्क फैक्टर है, जो बिहेवियर है, जो लाइफ स्टाइल है, उसको फोकस रखें और कोई भी तब्दीली अपने जिस्म में महसूस करते हैं, जिन अलामात का जिक्र किया, तो आप अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर रिव्यू करें। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात हुई और बहुत मालूमात हो गई होगी आप लोगों को। तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे आप किसी नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए विदा खान को, अल्लाह हाफिज़।